चमत्कार नहीं होने वाला नीट 2023 में, चमत्कार नहीं होने वाला। हर बार, वैसे भी मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूं, हर बार ना देखिए रिजल्ट तो एंड डे पे आना है, एंड डे पे ना जो भी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बीच में टेस्ट होते हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा अपना दिमाग भी खराब नहीं करना है कि मान लीजिए 720 का टेस्ट हुआ, मेरे 700 नंबर आ गए, और अब लगने लगा कि कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपको, नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी लगभग एक साल पड़ा हुआ है आपका फाइनल टेस्ट होने को, फाइनल एग्जाम होने को, दैट इज नीट 2023। तो आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए अच्छे मार्क्स से। सेम गोज फॉर एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मान लीजिए 720 का था और उसमें 400 नंबर आ गए और रोना धोना शुरू कर दिया, मैं तो नीट की प्रिपरेशन ही बंद कर रहा हूं, ठीक है, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अपनी जो कई बार लड़के ही ऐसा करते हैं, ठीक है, चूड़ियां वूड़ियां तोड़ के मांग का सिंदूर अपना जो है हटा देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं कर रहा है ना। अभी एक साल बाद है यार, एग्जाम बाद है, ठीक है, ये छोटे छोटे हिकअप्स वगैरह होते ही रहेंगे, अप डाउन चलता ही रहेगा। आपको फोकस करना है रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पे, प्रोसेस पे। पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है, ना कि किसी और। चमत्कार नहीं होने वाला नीट 2023 में, चमत्कार नहीं होने वाला। आप प्रोसेस फॉलो करेंगे सर, प्रोसेस में आपको सैकड़ों चीजें सिखाई गई है ना, दोबारा बता देता हूं फिर भाई, आप पेन टेक्निक है ना, आप एयर प्लग्स का यूज करिए, आप पोमोडोरो टेक्निक यूज करिए, आप गोल्डन डस्ट जो टेक्निक बताया वो यूज करिए, बहुत सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। अगर आप उनको यूज करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट में आपको उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो पार्सल पार्सल से टेस्ट हो रहे हैं ना, आपका दिमाग किसी भी साइड में, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, जैसे वो साधु संत होते हैं ना, पीर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको कोई मैटर नहीं करता कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, टेस्ट जरूर देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट और उस टेस्ट से सीखना भी है जो चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है। सीखने वाली चीज, यार मेरी गलती कहां हुई, कहां ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, क्या मैंने कॉपी ढंग से नहीं पढ़ी थी, क्या मेरी रिवीजन के कारण हो गया, क्या मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, वो चीजें सीखिए, एग्रीड। बट उसके टेस्ट के रिजल्ट को देख के है ना, पूरी दुनिया को दिखा, मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर आए, हैं मेरे इतने कम नंबर आए, दोनों चीजें ही गलत है, दोनों चीजें ही गलत है, दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। मैं कहूं कि क्यों, क्योंकि अच्छे मार्क्स आपका कभी भी दिमाग खराब कर सकते हैं, और जो बुरे मार्क्स हैं वो कभी भी आपको जो है वो डीमोरलाइज कर सकते हैं।